है पहला तरीका देने का, यानी मान लो अर्नव का काम क्या है, ब्रांडिंग। किसने बोला मैं नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूं और मैं किसी ब्रांडिंग कंसल्टेंट को ढूंढ रहा हूं, तो आपकी जानकारी में कोई है क्या? और आपने बोला हाँ मैं एक प्रगति परिवार में जाती हूँ या जाता हूँ जहाँ बहुत ही अच्छे ब्रांडिंग कंसल्टेंट है, उनका नाम अर्नव है, मैं उनका नंबर आपको दे रही हूँ और उन्हें भी फोन कर रही हूँ कि आपको फोन कर। तो ये पहले लेवल के गिवर हो गए, ठीक है। दूसरे लेवल के गिवर कौन हुए? मान लो आपके एक दोस्त ने अपनी स्टार्टअप किया, नई कंपनी चालू की और आपसे मिलने आया और उसने बोला कि मैंने इस प्रकार से काम चालू किया है, और आपने उसकी बात सुने बगैर ये कहा अरे रुको रुको, अगर तुमने अभी तक कोई ब्रांडिंग कंसल्टेंट हायर नहीं किया है तो मैं तुम्हें अर्नव से मिलवा सकती हूं या मिलवा सकता हूं, जो बहुत ही अच्छे हैं, ट्रस्ट वर्दी है, मेरी बात का विश्वास करके आप उनसे काम करा सकते हो। ये दूसरे लेवल के गिवर हो गए। और फिर आते तीसरे लेवल के गिवर। अब अर्नव ने जैसे अर्नव आज की आस्क है आपकी सर, रियल एस्टेट ओनर्स जो कि होटल ओनर्स हैं, स्पेसिफिक नहीं है किसी की, स्पेसिफिक है किसी की, कोई व्यक्ति कोई संस्था? सर अपना वाला अपार्टमेंट में वो है क्या, दीपक जी हैं आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, उनसे मिलवा। कौन सा अपार्टमेंट? अपना वाला अपार्टमेंट, अपना वाला। दीपक मिस्टर दीपक गुलियानी, ठीक है बैठिए। सो आज इन्होंने अपनी आस में बताया कि मेरे को अपना विला अपार्टमेंट जो रोहिणी या द्वारका में है, जिसके आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर दीपक गुलियानी सिंधी भाई है, और अगर आप में से कोई मुझे उनसे कनेक्ट कर पाए ना तो आई वुड बी ग्रेटफुल। तो अब आपकी नॉलेज में तो है नहीं, आप मोस्टली ईस्ट दिल्ली में रहते हो, साउथ दिल्ली में रहते हो, तो आप क्या करोगे? हिम्मत हार के बैठ जाओगे, बस इसमें लिखा काम हो गया, मैंने लिखा गिवर आस। लेकिन कुछ लोग जो तीसरे लेवल के गिवर है, जो सुप्रीम लेवल होता है, वो क्या करेंगे, घर जाएंगे, अपना लैपटॉप खोलेंगे और उसमें लिखेंगे मिस्टर दीपक गुलवानी अपना विला अपार्टमेंट्स। आजकल सोशल मीडिया में सब लोग ना चाहते हुए भी सब लोग मिल जाते हैं, और तो वहां से आपने उसको निकाला, उसका फोन नंबर आ गया, क्योंकि आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है सर, आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है, आपने उनको फोन किया, मिस्टर दीपक माय नेम इज अर्नव सेठ एंड आई रन अ बिजनेस कॉल्ड दिस दिस दिस, कौन सा बूम करते हो आप? Tornado. I run a business called Tornado Boom and I have a friend whose name is Kamal Gulati. He runs a very good business of air conditioning and other things, and I want to fix your meeting with him, and it is my guarantee to you he's a person you must meet. अच्छा यार, कोई उसकी अप्रोच लगा रहा है, क्योंकि दूसरे की बात सुनकर के दूसरों को ज्यादा विश्वास होता है, तो मुझे जरूर मिलना चाहिए। वो कहेगा अच्छा, अर्नव ने बोला सर कल दोपहर को 12 बजे मैं उन्हें लेके आ जाऊं या परसों 3 बजे? उन्होंने बोला ठीक है परसों 3 बजे आ जाना। ऐसा ही किया, अर्नव ने तुरंत फोन किया कमल गुलाटी को, कमल यार तैयार हो जा, मैंने तेरा लिंक ढूंढ दिया, दोनों भाई साथ चलेंगे। और ऐसे ही हुआ, अगले दिन सुबह 11 बजे ईस्ट दिल्ली से निकले, लक्ष्मी नगर में इनका ऑफिस है, और आपको 11:30 बजे पिकअप किया, वैसे आधे घंटे पहुंचोगे नहीं, पर आजकल किसान मिसान बॉर्डर पे है तो यहां से आप निकल सकते हो फटाफट, रास्ते खुले हुए, तो फट पहुंच गए आप कमल के पास पहुंच गए, और कमल को लेकर के पूरे 12 बजे मिस्टर किन के पास पहुंचे? दीपक। ध्यान ये रखो, याद रखो, इनकी आस को पूरा करना है। हाँ, आप वहां पहुंचे और हाथ मिलाया, आपने कमल को इंट्रोड्यूस किया, और कमल की बाद में 2-3 मीटिंग हुई, कमल को पूरी उनकी सोसाइटी का काम मिल गया, जितने भी एयर कंडीशनर लगे सबकी सर्विसिंग कमल के द्वारा होगी, और बढ़िया हो गया, इनके दोस्ती बन गई, दीपक से रोज शाम को उठना बैठना, दोपहर में चाय पे बैठना हो गया। एक दिन दीपक ने बोला यार वो जो तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था वो कौन था? कहा यार वो हमारे प्रगति परिवार में ना हमारे विंग लीडर हैं, उनका नाम है अर्नव सेठ। अच्छा, तो यार अर्नव सेठ ने अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि क्यूरियोसिटी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हो रही होगी, यार वो मतलब कौन है जो कह जी अर्नव हमारे प्रगति परिवार में, और उनका ब्रांडिंग का काम है, यार मिलवाओ यार, हमें तो अपनी सोसाइटी की ब्रांडिंग करानी है, मतलब बड़े दिनों से लोग कहते हैं कि ये टॉप सोसाइटी है, इसका रेट 1 करोड़ और बढ़ना चाहिए, तो मिलवाओ यार एक बार। और इसके बाद कमल ने किसको बुलाया? और बोला चलो मिलवाता हूँ, और मिले, और उसके बाद अर्नव को 4 गुना काम मिल गया, पूरी द्वारका की जितनी सोसाइटी से सबका काम मिल गया। तालियां बजा दो एक बार अर्नव के लिए। लेकिन ये तब हुआ जब अर्नव ने तीसरे लेवल के गिवर बनने का सोचा। आप में से कितने लेवल इस लेवल पे जाने का सोचते हैं? दुनिया में 3 प्रकार के गिवर हैं। पहला गिवर, किसी ने मांगा आपने रेफरल दिया। दूसरा, किसी ने नहीं मांगा, आपने बढ़कर के जैसे ही पता चला उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है
कनेक्ट किया, और तीसरा वो जिसने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके किसी और मेंबर के लिए दिया, क्योंकि शमशान घाट में लिखा होता है एक नेक काम नित्य प्रति करें, डू गुड वन एक्ट अ डे। पढ़ा आप लोग? मैंने तो खूब पढ़ा है, लिखा होता है। सो आज ही अच्छा काम करते, आज से बढ़िया कोई दिन हो सकता है क्या आपकी लाइफ में? नहीं। हेलो, हो सकता है क्या? नहीं। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो ना जोरदार। थैंक यू वेरी मच। तो आज वो